इंदौर के बेटमा में आगामी त्योहारों गणेश चतुर्थी, तेजादशमी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी को लेकर स्थानीय थाना परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणेश समिति, झांकी निर्माता एवं समिति, अखाड़े के उस्ताद और खलीफाओं, स्वागत मंच लगाने वाले संगठन सहित नगर के सभी प्रबुद्ध जनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई, जिसमें एडिशनल SP शशिकांत कनकने, अनुविभागीय अधिकारी रवि वर्मा, SDOP नीलम कन्नौजे, तहसीलदार भास्कर गाचले, नायब तहसीलदार हर्षा वर्मा, थाना प्रभारी संजय शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जो गणेश स्थापना होनी है, ढोल ग्यारस का जुलूस निकलना है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी का जो समारोह का आयोजन होना है, उसके संबंध में यहाँ के गणमान्य नागरिकों की और आयोजक लोगों की मीटिंग ली गई है। मीटिंग के दौरान उन्हें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, सुरक्षा के संबंध में क्या उपाय रखने हैं, उन सभी संबंधों को जानकारी दी गई है। साथ ही साथ उनको बताया गया है कि यदि कोई भी इस दौरान किसी प्रकार का घटनाक्रम करने की कोशिश करेगा या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व समय में जिन लोगों ने यहाँ पर गतिविधियाँ ऐसी की जिसके द्वारा यहाँ माहौल खराब है, हुआ भी हो, तो ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनको बाउंड ओवर कराया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो आयोजन के दौरान स्वच्छता, सफाई और स्वास्थ्य को लेकर जो यहाँ पर पॉइंट उठाए गए हैं, सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर SDM साहब ने और यहाँ की जो टीम ने सभी लोगों को आश्वासन दिया है कि सभी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से होंगी और आयोजन सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा। बेटमा स्थाने में जो आगामी गणेश उत्सव का आयोजन होना है उसको लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यहाँ जितने भी पंडाल लगेंगे और गणेश मूर्तियों की स्थापना होगी उस सभी को लेकर ही चर्चा की गई। इसमें स्पष्ट निर्देशित कर दिया गया कि सभी पंडालों में अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य है और हर पंडाल की सुरक्षा के लिए रात्रि में गणेश होएगा और जो भी सुरक्षा उपाय हर पंडाल को अपने स्वयं भी करना चाहिए वो करेंगे। नगर परिषद पूरी साफ सफाई की व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था देखेगी। MPV को भी निर्देशित कर दिया गया कि जितने भी कहीं कोई MPV खुली है या वाया बैठे हैं उन सबको दुरुस्त करता है। सर, आपने जैसे MPV का कहा, पिछले माह में 2 से 3 संज्ञान उठाया है, मेरे संज्ञान में है, तो इसके लिए भी ऑलरेडी MPV को निर्देशित कर दिया है कि कहीं भी ओपन DPR रहें और तत्काल उन्हें बंद करें, कहीं भी लूज वायर या खुले वायर में लटके रहें, इस चीज़ को लेकर निर्देश जारी कर दिया। सर, स्वास्थ्य